बूफे में मिलेगी कढ़ाई? बूफे में मिलेगी, क्या कह रहे हो भाई? ये सारी तैयारी क्या अब की है बूफे की? जी सर, बूफे में सर हमारे पास 50 प्लस आइटम्स हैं। 50 प्लस है? 50 प्लस। बूफे पे हमला, आ जाओ बंद गवाब, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ सही जगह पर। जो पैसे है ना इस जगह के एम्बियंस के हिसाब से वो बहुत बेहतरीन है। दोस्तों हम लोग आज मौजूद हैं अपने ही घर पे और आज की जो इफ्तारी है ना वो होगी सुपर हाईवे पे, और सुपर हाईवे पे जाके आपको दिखाएंगे वहां का बूफे। अभी हालत थोड़ी खराब है, आज जाऊंगा अंदर नहाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। मैं हूँ, मुजम्मिल है, सारा है, समीना है, और उसके अलावा दानिश भाई हैं, फराज भाई हैं, फरहान भाई हैं, और कौन है, और के हैं जो कभी कभी आते हैं। तो आज हम सब मिलके जा रहे हैं इफ्तार बूफे के ऊपर। बहुत सस्ता इफ्तार बूफे है, कितने का है, कैसे है, क्या है, जाता हूँ फटाफट, तैयार होता हूँ और आपको सीधा मिलते हैं सुपर हाईवे शाहीन शर्मा पे। तो फिर आओ मेरे। हमारे साथ हैं अभी यहाँ के मैनेजर उमर। उमर भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। भाई ये बताएं, ये जो बूफे आप कितने का दे रहे हैं? सर 1600 रुपए प्लस टैक्स। टैक्स कितना है? टैक्स इंक्लूड है इसके अंदर। अच्छा, टैक्स के साथ 1600 रुपए। बिल्कुल बिल्कुल 1600। और सहरी? सहरी में हमारे पास वही, आप आए जैसे पहले आते हैं, ऑर्डर करते हैं और 4-4:30 बजे तक हमारे टाइमिंग होती है। अच्छा। तो हम लोग ऑर्डर लेते हैं, इंशाल्लाह सर्विंग करते हैं जैसे नॉर्मल होती है हमारे रेस्टोरेंट में। अफ्तारी के अंदर है बूफे? जी बिल्कुल, अफ्तार के अंदर हम लोग बूफे प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, तो बूफे में कितनी चीजें हैं? बूफे में सर हमारे पास 50 प्लस आइटम्स हैं। 50 प्लस है? 50 प्लस। क्या क्या चीजें हमारे पास? अगर आप डिनर में आ जाएं तो डिनर में हमारे पास बिरयानी है, उसके बाद कॉकटेल कबाब है, और चिकन टिक्का है, और इसके अलावा पास्ता है, मंचूरियन है, ड्राई चिली है और लिक्विड चिली है, उसके बाद शाशलिक है हमारे पास। अच्छा। फिर उसके बाद अगर हम लोग डेजर्ट में आए तो डेजर्ट में प्रॉपर हमारे पास डेजर्ट बार है। अच्छा। उसके बाद आप लोग अगर उसके बाद फ्रूट चाट है, दही बड़े हैं, गोल गप्पे हैं, इसके अलावा हमारे पास बंद कबाब है, और गोल गप्पे के अलावा, बंद कबाब के अलावा फिर हमारे पास और भी सर काफी सारी वैरायटी मैं आपको दिखाऊंगा। चाय भी बिल्कुल 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 चाय भी इसमें शामिल है, आपको चाय भी मिलेगी। जूसेस वगैरह हमारे पास हैं जिसमें रूह अफजा है, पाक कोला है, साथ में हमारे वो है जैंग टैंग है। तो ये रूह अफजा, पाक कोला ये भी इंक्लूड है? बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड। पानी नहीं है? पानी नहीं है इसके अंदर, और ड्रिंक्स नहीं है, बाकी सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। इंक्लूड है। तो टाइमिंग ये कब से कब शुरू हो जाती है आपकी इसकी? ये सर हमारा ओपन जो हो रहा है 6 बजे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और ईशा की नमाज में हम लोग क्लोज कर देते हैं 8 बजे तक। 8 बजे बंद? 8 बजे पहले पहले जो खाना खा लो। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर आपका नॉर्मल जो रेस्टोरेंट है, बिल्कुल रेस्टोरेंट ऑन हो जाता है, रेस्टोरेंट जैसे हमारा है प्रॉपर वैसे। तो ये है कहाँ ये भी जरा बता दें? ये सर आपको मेमार मोड शाहीन शर्मा रेस्टोरेंट सुपर हाईवे नियर टोयोटा शोरूम के बराबर में मिलेगा। सही, बेहतरीन हो गया। अभी चलते हैं, अभी अफ्तार होने वाली है, क्या क्या चीजें अभी डिशेज इनकी लगती है, फिर आपको दिखाते हैं कि इनका खाना है कैसा। अच्छा जी, हमारे साथ अभी शाहीन शनवारी की जो है जीएम मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। भाईजान ये बताइए कि ये शाहीन शनवारी है, इसके अलावा और भी शाहीन शनवारी हैं, तो ये क्या फर्क है उनमें और इनमें? और शाहीन शनवारी कोई भी नहीं है, शाहीन शनवारी सिर्फ यही है, यही सुपर है? हाईवे पे। एक वहाँ भी है? नहीं वो हमारा नहीं है, डिग रोड वाला हमारा नहीं है। अच्छा, ये है असल? ये असल ये शाहीन शनवारी है, सबसे पुराना और असल ये वाला है। असल ये वाला क्योंकि यहाँ हमारी बात हुई थी, उन्होंने बोला यार मेरी जो उनके ऑनर है हारिस आज नहीं है यहाँ पे, और हारिस को हम मिस भी कर रहे हैं बड़े टाइम से, क्योंकि मैं जब उमरे पे गया था तो मैं और हारिस एक ही टाइम पे उमरे पे थे, वहाँ भी हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, और आज इत्तफाकन मैं यहाँ पर आया हूँ तो आज ही मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम दोबारा मुलाकात करेंगे बहुत जल्द। और ये बताएं, बूफे का सेटअप है माशाल्लाह, और पैसे भी आपके बड़े मुनासिब हैं, 1600 रुपए के अंदर टैक्स वैक्स सब इंक्लूड है इसमें। धुआं ही धुआं, लेकिन ये किसी आग का धुआं नहीं है भाई, कढ़ाइयाँ तैयार हो रही है यहाँ पे, कोयला कढ़ाई तैयार हो रही है, शाहीन शनवारी की स्पेशल कढ़ाई। ये नहीं मिलेगी बूफे में? बूफे में मिलेगी कढ़ाई? बूफे में मिलेगी, क्या कह रहे हो भाई? शनवारी कढ़ाई। अरे माशाल्लाह, ये शनवारी है यार। ये एक कढ़ाई तो मुझे यहीं से दे दो भाई, अलग से उठा के यहीं से आपको मिलेगी। हारिस भाई आप नहीं है, मैं आपकी कढ़ाई लेके जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे, मिलेगा। ये कौन सी, इसमें क्या खास बात क्या है, इस कढ़ाई में और वही कढ़ाइयों में क्या खास बात है? ये हसल शाहीन शनवारी कढ़ाई है जो
अभी जो नाम के शाहिन शिनवारी लोगों ने किया, प्लान शिनवारी, डिमांड शिनवारी, हाँ। ये हसन शाहिन शिनवारी कड़ा ये सुपरहेवे का। अच्छा मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। अच्छा लोग आते हैं, सैकड़ों लोग आते हैं, मजा ना आए, पैसे वापस, पैसे वापस। वाह वाह वाह, क्या लगा हुआ है रमजान के लिए ना, अफतारी लगा हुआ है, होलसेल मतलब होलसेल कढ़ाई लगी हुई है। अच्छा दुआएं कमाल है, क्वालिटी भी कमाल है, भरपूर होगा शाहिन शिनवारी। वाह यार कढ़ाई तो कमाल लग रही है। दानिश भाई फुल लगे हैं वीडियो बनाने में। दानिश भाई क्या लग रहा है, पानी आ रहा है मुँह में? यार मत पूछे यार, सेव जो है वो 20-25 मिनट बाकी है। 20 मिनट भी नहीं है, 20 मिनट से भी कम है। ये देखें आप, वो माशाल्लाह। यहाँ भी देखें, यहाँ भी अभी लाइन से जो है ना बारबेक्यू लगा हुआ था, तैयार हो रहा है बारबेक्यू साथ साथ। अच्छा ये इनका किचन जो है ना, मैं आपको एक चीज बताऊँ, ये इनकी एक बड़ी बेहतरीन चीज है कि किचन इन लोगों का जो है ये ओपन किचन है, कि कोई भी अगर आप सामने खड़े होकर देखते हैं तो आपको किचन यहाँ पे ओपन नजर आता है। तो आप इसमें भी आके साफ सफाई देख सकते हैं, किचन कितना बेहतरीन है और कितनी साफ तरीके से जो है यहाँ पे काम हो रहा है। ये मुझे लग रहा है कि शायद किसके लिए कटिंग हो रही है, ये पास्ता के लिए। पास्ता, पास्ता की चिकन है, पास्ता की चिकन है, पास्ता है बुफे में। जबरदस्त भाई, ये सारी तैयारी क्या अफकी है बुफे की? जी सर, तुम्हारी मुझे भी गोल्डन है वैसे। भाई ये आप देखें, लाइन से जो है ना यहाँ पे अफतारी की तैयारियां, फ्रूट वगैरह जो है प्लेट्स में डाल के रख दिए गए हैं, और वहां पे आप देखें टमाटर जो है वो फ्राई किए जा रहे हैं कढ़ाई के लिए, सारा सामान चीजें जो है तैयार है। ये देखें, आ हाँ माहौल देखें, किचन की देखें, सफाई देखें किचन की आप, ये देखें जबरदस्त बेहतरीन। आओ फिर अफतारी का टाइम करिए, आगे बढ़ो। अरे भाई अफतार में अब टोटल कोई 15 मिनट रह गए, और आप यहाँ बूफे भी कर सकते हैं, और बूफे के अलावा अगर आपने ऑर्डर देखे खुद से कुछ खाना है तो वो भी कर सकते हैं। ये पूरी यहाँ पे देखिए आप, कितनी बड़ी सुपर है, इतनी बड़ी इस सेटिंग है, और यहाँ पे फैमिली का बैठने का सेटअप भी है, बूफे का सेटअप एक तरफ है, किचन भी आप सामने देख सकते हैं, और वो सामने सज्जी का सेटअप है वो भी आपको भी दिखाते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ सैलेड की तरफ, ठीक है भाई, मैं किसी चीज पे नहीं जाता, मैं सबसे पहले आता हूँ सैलेड पे, बाकी चीजें सब बाद में। आज होगा तख्त इम्तिहान। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे लेने आ गए हैं लाइव बंद कबाब जो है यहाँ बन रहे हैं, बंसरोड वाले बंद कबाब, पक्की बात है जी भाई, है ले आओ फिर, आज होगा तुम्हारे बंद का आपका इम्तिहान। ये आ गया, चटनी भी डाल दो थोड़ी साइड पे। ये हो गई ना बात, आ जाओ बंद कबाब, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ सही जगह पर, आओ मेरे नाल। ओह माल मसाला तो आने लग गया भाई। ओह ये देखिए आप, ये देखिए आप, बूफे पे हमला, बूफे पे हमला हो गया। यहाँ पे अब मैं लेने आ गया हूँ चाट, मुझे दे दीजिए ऐसे ही। अब इसकी चम्मच किधर है? स्पून आगे है, आ जाओ चाट, स्पून आगे है। भाई इफ्तारी के अंदर हम लोगों ने सैलेड, समोसे, पकोड़े, अपना इसके अलावा ये बन, उसके अलावा ये देखिए दानिश भाई सब चीजें लेके यहाँ बैठे हैं, चने की चाट है, पास्ता है, सैंडविच है, इसके अलावा दही बड़े हैं, उसके अलावा आगे देखिए पकोड़े हैं, बहुत सारी चीजें हैं, शरबत शरबत देखे बैठ गए। अच्छा ये अभी स्टार्ट है, इसके बाद जब खाना वगैरह यहाँ पे आएगा सारा, लेकिन अभी तक मैंने जितनी चीजें खाई हैं, एक ये मैंने ये बारबेक्यू कबाब खाया है इनका, बहुत अच्छा लगा मुझे, सैलेड खाया मुझे बहुत अच्छा लगा। जो पैसे है ना इस जगह के एम्बियंस के हिसाब से वो बहुत बेहतरीन है, आप अगर यहाँ पे आके ट्राई नहीं किया तो 1600 रुपए यार मेरे ख्याल में बहुत मुनासिब है, क्योंकि इस जगह के हिसाब से 1600 में कहीं भी कराची में इस लेवल का रेस्टोरेंट जो है वो ऑफर नहीं कर रहा। तो आइए और टूट पड़िए भाई। अभी मैं अपने लिए फाइनली जो मेन कोर्स है इनका, उसमें से मैं बारबेक्यू कबाब, और मैं उसमें शाशलिक, उसमें चिकन पुलाव, उसमें चिकन चिली ड्राई, और ये थोड़ा सा फ्राइड राइस यहाँ मैंने डाले थे तो मैंने बना लिया। इसके अलावा बिरयानी भी है वाइट, और उसके अलावा दो तीन चीज़ें और भी हैं, गोल गप्पे भी मौजूद हैं यहाँ पे, और बाकी सब खा चुके हैं। केके भी आज है, केके आप कैसे आ गए आज? मैं आपने बुलाया, आएंगे क्यों नहीं आएंगे? आएंगे पक्की, जब बुलाएंगे आएंगे, जब बुलाएंगे आते हैं और आएंगे। कैसे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बताएंगे 1600 के हिसाब से ये बुफे कैसा था?
बहुत मुझे बेहतर लगा, मैं हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए और काफी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। मेरा सब चीज़ अच्छी थी, चाइनीज थे सबसे, समोसे वगैरह थे, सबसे चीज़ें बेहतर थी। शरबत का निज़ाम उन्होंने सबसे बेहतर रखा हुआ था। शरबत का निज़ाम, अच्छा कोई ऐसी चीज़ जो आपने इस बुफे में मिस की हो, यार ये चीज़ इसमें नहीं थी, ये होनी चाहिए? मिस मतलब नहीं, इतने तो खास नहीं लगे, सही थे। 16 साल के हिसाब से मुझे बिल्कुल सही लगा, बिल्कुल सही लगा। सबसे ऊपर इनकी क्या चीज़ थी? सबसे ऊपर हम लोग एल्फ्रेडो पास्ता था, और बाकी मुझे जो है ये भाई कुछ बता रहे हैं। हाँ जी, अब आप बताएं, आप बताएं भाई। ये एक पानी के इन्होंने जो है ना एक्स्ट्रा लिए हमसे, 9600 का हमारा बिल था, इन्होंने 9780 रुपए का बिल बनाया। ये तो गलत बात है, ये पानी का बिल थोड़ा ज्यादा था। यानी सारी चीजें हटा के सिर्फ पानी दे देना चाहिए। पानी मुझे सबसे बेहतर लगा। अच्छा वैसे खाने में इनकी क्या चीज बेहतर लगी आप? खाने में तो मैं तो चाइनीज का दीवाना हूँ, चाइनीज ही मैंने फोड़ा है। और ये क्या कहते हैं अल्फ्रेडो पास्ता, ये भी अच्छा था। और बाकी सारी चीजें सही थी। एनवायरनमेंट कैसा लगा वो हटा के? एनवायरनमेंट तो अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है। तो भाई ये थी हमारी अफ्तार की वीडियो, जिसके अंदर हमने शाहीन शनवारी के ऊपर यहाँ पे अफ्तारी की। भाई बहुत चीजें, कुछ चीजें तो मुझे बहुत पसंद आई, जिसके अंदर इन लोगों का कढ़ाई, खास तौर पे इनका बारबेक्यू, उसके अंदर इनके चाइनीज आइटम, उनके फ्राइड आइटम मुझे बहुत पसंद आए। कुछ चीजें जैसे चाट, एक चीज है बोलूंगा कि बहुत अच्छी नहीं लगी मुझे, गोलगप्पे बहुत अच्छे नहीं लगे, बाकी ज्यादातर चीजें बहुत अच्छी लगी। इनके शरबत उसमें दे रहे हैं, लस्सी दे रहे हैं, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें जो है ना ये लोग इसमें इफ्तार में दे रहे हैं। इफ्तार के पैसे कितने हैं यहाँ पे भाई? 1600 रुपए हैं, जिसके अंदर आपको विद टैक्स जो है आप यहाँ पे आ सकते हैं। बच्चों के लिए 7 साल से ऊपर जो है उनके 1200 रुपए हैं, 7 साल के नीचे वाले बच्चे जो है वो फ्री हैं। ठीक है जी, अब ये नहीं है 10 साल के बच्चों को 7 साल का बता देना, जो 7 साल के नीचे वाले हैं उन्हीं का फ्री है, और बाकी जो है वो यहाँ पे आके आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। नंबर मैं दे दूंगा, उस पर आप फोन करके बुकिंग भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कढ़ाई लाजमी ट्राई कीजिए, और इनका बारबेक्यू लाजमी के ट्राई कीजिए। बहुत सी चीजें कम पैसों पे अच्छी चीजें सर्व कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।